Alif Allah Aur Insaan. तुम्हारा रूम तो बहुत अच्छा है, बल्कि तुम्हारा घर भी बहुत अच्छा है. क्यों, इसमें अच्छा क्या है? तुम यहाँ रहती थी, तुम्हारा बचपन यहाँ गुजरा है, और तुम तो जानती हो कि अब तुम्हारी हर चीज से मुझे मोहब्बत होने लगी. फोन किसका है? अस्सलाम वालेकुम माँ जी. वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हारा घर आबाद रखे. मैं इस वक्त तुम्हें फोन करके तंग तो नहीं करना चाह रही थी, मगर अपनी खुशी संभाल ही नहीं सकी, बेताब होके फोन कर दिया मैंने तुम्हें. जी जी माँ जी, आप हुक्म करें. अरे तुम्हें तो पता ही है, ये जो तुम्हारा दोस्त है ना, इसको तो कोई लड़की ही पसंद नहीं आ रही थी. अब खैर से इसको तुम्हारी साली नाज़नीन पसंद आ गई है. क्या सच माँ जी? हाँ हाँ बेटा. भाई अब तुम किसी भी तरह करके फौरन ये बात शुरू करो वहाँ पर. मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती. जी जी माँ जी, मैं अपने ससुराल में ही हूँ और मैं आज ही बात करता हूँ. हाँ बेटा हाँ, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर, तुम्हारी तरह मेरे शाहजेब का घर भी बस जाए. जी जी माँ जी, जरूर इंशाल्लाह जरूर बसेगा. तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बेटा. अब मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. किसका फोन था? शाहजेब की माँ जी का. भाई 10 रुपए दे दे भाई, तो जल्ला लंबी उम्र दे भाई, मुझे भी भीख दे दे. साहब जी अल्लाह तुझे लंबी उम्र दे. साहब जी मुझे भी दे दे अल्लाह के वास्ते, मुझे भी दे दे साहब जी. क्या हम दुनिया में सिर्फ भीख मांगने आए हैं? हमें इतना जलील क्यों पैदा किया है? सारे दिन में चंद सिक्के, दिल चाहता है कुछ कोल ही तोड़ दूं, पर रब्बे की डांट कौन खाए? हमारी भी क्या जिंदगी है, डंगरों से भी बदतर. देखो आज तो मुंह मत मोड़ मुझसे, आखिरी दफा मिलने के लिए आया हूँ तुझे. क्यों, तू कहाँ जा रहा है? शहर मेहनत करने के लिए, तेरी खातिर. मेरी खातिर क्यों पला? तुझे इतनी दफा तो बताया मैंने, बड़ी मोहब्बत करता हूँ तुझसे. देखिए मोहब्बत मोहब्बत का नाम मेरे से ना ले, लेकिन जोर से तुझे कुछ कॉल मारूंगी ना. एक दिन मानेगी तो मेरी मोहब्बत को देखना. अल्लाह ना करे अगर खुदा ना खास्ता कभी तेरे पे कोई बुरा वक्त आ गया ना, तो बस आवाज देना, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग के तेरे पास आ जाऊंगा. जा जा, बड़ा आया मददगार. मैं भला तुझे बुलाऊंगी और तू किसी काबिल तो हो जा. बनूंगा मैं इस काबिल, मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि तुझे मेरे नाम से फख्र होगा. रानी याद रखना. वाह बात है भाई, तू भी बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रहा है. ख्वाब भी तो मुझे तूने ही दिखाया है ना रानी, तूने ही मुझे मेहनत के रास्ते पे लगाया है. तू देखना मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिल बोलता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. तो क्या तू ये नाच गाना छोड़ देगा? छोड़ रहा हूँ, छोड़ दिया सब कुछ, बस मेहनत करूंगा बस तेरी खातिर. तू दुआ करेगी ना मेरे लिए? मेरी दुआएं कबूल होती तो अपनी किस्मत ना बदलती मैं. तो बस फिर याद रखना रानी, तेरी किस्मत बदलने की जो वजह है ना, वो मैं हूं. अच्छा दफा हो हिजड़े, दफा हो यहां से. सर खा रहा मेरा कब से, सिक्के नहीं आज इकट्ठे हुए. चल जा. आए ब
बेटा, घर में सब खैरियत तो है? जी जी माँ जी, बिल्कुल सब खैरियत से हैं। माँ जी, आपके लिए एक खुशी की खबर है। हाँ बेटा, क्या? मेरा दोस्त है ना शाहजेब, उसकी माँ जी ने हमारी नाजी के लिए रिश्ते की बात की। वो जो तुम्हारी शादी में आगे आगे था? जी माँ जी, शाहजेब बहुत अच्छा इंसान है, पढ़ा लिखा है, दौलतमंद है, नेक, शरीफ और अखलौता भी। तो बेटा, उसने शादी क्यों नहीं की अब तक? माँ जी मुझे हमेशा यही कहता था कि जो लड़की उसके दिल को अच्छी लगेगी ना, उसी से करेगा वो शादी, और हमारी नाजी उसको अच्छी लगी है। माशाल्लाह। माँ जी, शाहजेब की नेक नामी और शराफत की जमानत मैं आपको देता हूँ, बस आप रिश्ते के लिए आंखें बंद करके हाँ कह दें। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मलिक साहब से मशवरा तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल माँ जी, आप मलिक साहब से मशवरा करें, लेकिन इतने अच्छे रिश्ते के लिए इनकार मत कीजिए। अम्मा, सब्जी छोड़, मलकानी ने मुर्गी का अच्छा सालन और पुलाव भेजे। पुलाव भेजे? कोई मेहमान आया है हवेली में? हाँ अम्मा, यास्मीन बीबी आई है। अस्मीन आई है? अम्मा, वो नाजी बीबी के लिए रिश्ता लेके आई है। क्या वाकई नासी का रिश्ता आया है? सुहेल भाई की शादी पे उनके किसी दोस्त ने उन्हें पसंद कर लिया था। नाजी बीबी लग भी तो बहुत प्यारी रही थी। रोजी, इसका मतलब एक और शादी थी यार। लग तो ऐसा ही रहा है। अम्मा, अगर हम लोग अमीर होते ना तो हम ही नाजी बीबी के लिए भाई का रिश्ता ले लेते। चुप हो जा, खबरदार जो ऐसी बात सोची भी तो। कहाँ वो लोग हैं और कहाँ हम? वो ठहरे इतने बड़े जमींदार और हम उनके मजारे। वो मालिक हैं और हम लोग नौकर हैं। ना उनकी हैसियत बदलेगी ना हमारी औकात। तो अम्मा क्या हुआ, हैं तो हम सब इंसान ही ना। सिर्फ कहने को इंसान है, वरना उनका हमारा क्या मेल है? शक्लें और जिस्म एक जैसे होने से हैसियतें नहीं बदलती। दोबारा ना सोचना ऐसी बात। या अल्लाह, कब से इस दरगाह पर एक आस लिए आ रही हूं, बस एक बार उससे मिला दे जिसके इश्क में मैं दिन रात तड़पती हूं, जिसकी यादों से मेरी सांसों की डोर बंधी है, हर दिन उसकी आमद के मुंतजर रहती हूं। अलिफ अल्लाह रता दिल मेरा, मैनू बेदी खबर ना काई, एक बार उसका दीदार करा दे, मेरी दुआ पूरी कर दे। हुजूर, चले बहुत देर हो गई। बेपढ़िया कुछ समझ ना आवे, लज्जत अलिफ दी आई। माँ जी, आपको लगता है कि मुझे रिश्ते से इनकार हो जाएगा? इसीलिए तो आई हूँ यहाँ दुआ करने के लिए, ताकि रिश्ते से इनकार भी ना हो और मेरे बेटे को उसकी खुशी भी मिल जाए। आइए। शाहज़ेब, पीछे जाना मुनासिब नहीं। हम उनके दीद और मिलन के लिए बेकरार होकर दुआएं मांगकर आ रहे हैं, और शायद अल्लाह ने हमारी दुआ सुन भी ली है, और आप चमन बेगम, आप हमें रोक रही हैं। दीद की दुआ दीद तक ही रहे तो अच्छा। आप नहीं चाहते कि हमारा मिलन हो? बेसुध है। मोहब्बत में फायदा और नुकसान कब देखा जाता है? मोहब्बत में इज्जत भी दांव पर नहीं लगाई जाती। मोहब्बत में इज्जत रहती ही कहाँ है? आज हम मिलकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हुजूर, होश कीजिए। अगर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो उनकी इज्जत का ख्याल कीजिए, शायद उनकी माँ उनके साथ है। माँ? हमने तो किसी को उनके साथ नहीं देखा।
आपकी आंखों ने जो कुछ देखना चाहा, आपको वही नजर आया। उन्होंने अपनी माँ का हाथ थाम रखा था। अगर आपने कोई ऐसी वैसी बात उनकी माँ के सामने कर दी तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? हम हमेशा प्यासे ही क्यों रह जाते हैं? अगर अब भी आप अपने मुकद्दर को ना समझें तो हम क्या कहें? हमारा इश्क, हमारी मोहब्बत हमारा मुकद्दर बदल कर रहेगा। आप देखिएगा, शाहजेब हमारे होकर ही रहेंगे। आज दीप की दुआ कबूल हुई है, कल मिलन की भी हो जाएगी। अच्छा, अभी तो यहां से चलें। अल्लाह अपने नेक बंदों के सदके हमारी मुश्किलें दूर करे, हमारे रास्तों की तमाम रुकावटें दूर हो जाएं। आमीन। चलो मिलके दुआ करते हैं नाज़नीन को पाने की और मेरे बेटे की तमाम खुशियां पूरी होने की। इश्क नचाया इश्क रुलाया इश्क ने जीना सिखाया, इश्क रजा है इश्क दुआ है इश्क ही रब की अता है। इश्क में दे दे अपनी जान, अलिफ अल्लाह और इंसान। बाजी दस रुपए दे दे, बाजी बाजी अल्लाह तेनु खुश रखे, बाजी दस रुपए दे दे, बाजी बाजी दुआ करा ले, बाजी गरीब दी दुआ लग दी। दे 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 बेटा, दे दे लाला चने दे। पकड़ो 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 पकड़ो, पुलिस आ रही है, भाग, पुलिस आ रही है। कोई ना जाए, कोई ना जाए, पकड़ो 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 पकड़ो, जान दे पकड़ो पकड़ो। तू यहाँ क्या लेने आई है? तेरा यहाँ क्या काम? वो गवाच गई थी थोड़ी सी। जब वापस जाए ना तो फिर से भूल जाना कि कहाँ से होकर आई है। सुना तूने? क्यों, तेरे प्यो तक आ रही है? यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, तू जैसे फकीर भीख मंगे नहीं। क्यों आते हैं थे? ते कौन आते हैं, बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ परियां रहती हैं और उन्हें देखने के लिए बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं। परी थी ये? यहाँ की सबसे खूबसूरत परी है। लोग इस पर नोट ऐसे निछावर करते हैं जैसे फूलों की पत्तियां। ऐसे सारे नोट? हाँ, और वो नोटों का फर्श बनाकर उन पर चलती है। ये सच्ची के नोट? हाँ, सच्ची के नोट, हजार के, 500 के, 5000 के। चल झूठे। नहीं, ईमान से बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने तो कभी भीख में भी 500 का नोट नहीं मिला, कभी कभी 100 दे मिल जाते। ये तो अपने अपने नसीब की बात है। देख, सारे दिन के यही सिक्के मिले हैं मुझे,
यहाँ भी कई आई कई गई, लेकिन निगार बेगम जैसी किस्मत किसी ने नहीं पाई। बड़ी का नाम निगार बेगम है? हाँ। उसकी इतनी अच्छी किस्मत भला क्यों है? ज्यादा सवाल ना कर, चल फुटाका यहाँ से, तेरा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। वे तेनू की तकलीफ है? एक लगाऊं बड़ी आई सवाल करने वाली। मैं जा रही हूँ, तेनू का गुस्सा है, तेरे चाचे दी थी है। जाती है कि नहीं जाती बताऊं तुझे मैं? बड़ा आया तेरे फूल में चपड़े मीना। छोटे भरा को भी बारी देना तो वो भी तो करती है, उसमें क्या है। हाँ क्यों, तू गुड्डी तू क्यों रोने मारती है? ये तो हमेशा मारती है। अच्छा चल छोटे भाई को देना गीटी, खेले ले, खेल भाई। बंद जनों ते निक्की निक्की फजूल बातों पे हंसी जा रहे हैं पागलों की तरह। इन्हें क्या पता कि असली खुशी कहाँ से मिलती है। रानी इधर आना मेरे पास। क्या बात है, क्या सोच रही है? इधर कोई सोचन के काबिल है? कोई चंगी चीज होवे तो सोचू। अम्मा तुझे पता है आज मैंने 100 रुपया कमाए हैं। मैं अंधा बना था ना, इसलिए एक आदमी गुजर गया तो मुझे 100 रुपया दे दिया। झूठा मक्कार अन्हा। पागल होए थे, 100 रुपए भी तू खुश हो रहा है? कुछ लोग ऐसे जो 500, 1000, 5000 के नोटों पे चलते हैं। क्या तू अकी सच बोल रही है? कौन चलता है नोटों पे? बस है कोई, तुझे क्या है? रानी तू हमें भी उससे मिलवा, हमें भी उसको नोटों पे चलता हुआ देखना है। ना तूने शीशे में शक्ल देखी अपनी है? एडी आई, जो लोग नोटों पर चलते हैं ना वो फकीरनियों से नहीं मिलते। आई हाय, ले उस शोधी को क्यों डांट रही है? ले मुझे बता किसकी बात कर रही है तू? खोते नहीं कर रही है, किसी की नहीं बात कर रही है मैं, मेरे पीछे पड़ गया ये, तू सी दे। हाय ले चज की चप्पल ही ले दे मुझे, कंजूसनी हट। हाँ तो जो हुआ क्या है? ए रानी, ओ रानी फिटे मुंह तेरे, गुटी इधर आ, इधर आ। हाँ मेरी दी, हाँ मेरी बात सुन। रानी पे नजर रखियो, किधर किधर जाती है, किससे बात करती है, ठीक है? हाँ मेरी सोनी थी। बस यही है ना कि मलिक साहब अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, और नाजी नाजी में तो इनकी जैसे जान अटकी हुई है। सही कह रही है, वैसे कौन अपनी बेटी से प्यार नहीं करता। ये तो है। अच्छा मिठाई तो ले, चाय पिए ना भाई। मिठाई तो अब हम उस वक्त खाएंगे जब आप हाँ कर देंगे। कहेंगे वो भी इंशाल्लाह, कहेंगे। सच मैंने तो शुक्र अदा किया खुदा का कि मेरे शाहजेब को कोई लड़की तो पसंद आई, वरना इसके लिए तो मैं लड़कियां ढूंढ ढूंढ के थक गई थी बिल्कुल। बस ये तो सब किस्मत की बात है बहन। हाँ ये तो है। वैसे नाज़नीन है कहाँ? वो आ गई। आओ बेटा आओ, अच्छा आ जाओ, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है आपकी। शुक्रिया, मेहरबानी। अम्मा कोई काम था ये मैं जाऊं? अरे बेटा थोड़ी देर तो बैठो हमारे पास। वो मैंने सहेलियों के साथ बाहर जाना था ना इसलिए। बेटा ये लोग बहुत दूर से हैं हमसे मिलने के लिए, बैठो बातें करो इनके साथ। अब मैं क्या बात करूं, वो इंतजार कर रही है मेरा। कोई बात नहीं मलकानी, जाने दीजिए, बच्ची है। ठीक है, रहीम वाली गाड़ी में जाना और समीना को अपने साथ लेके जाना। अम्मा समीना को क्यों लेके जाऊँ, सहेलियों के साथ क्या करेगी वो? अम्मा की बात सुन लेते हैं। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अमानत रख, खैरियत से जाओ, खैरियत से वापस आओ इंशाल्लाह। बहुत प्यारी बेटी है आपकी, बस अब तो आप बिस्मिल्लाह कर दीजिए। जी इंशाल्लाह, कुछ सोच लें फिर आपको जल्द जवाब देंगे।
सुनाइए नजीर, क्या खबर लाए? सब अच्छा है जी, अल्लाह के करम से। ये रख लीजिए और उनकी हर एक हरकत पर नजर रखिए, हमें इतला देते रहिए। खादिम अपना काम अच्छी तरह जानता है। हुजूर, आप अपनी मेहनत की कमाई उस फजूल काम पर जाया कर रहे हैं, कुछ हासिल नहीं होगा। चमन बेगम, आप नहीं जानती कि हम उनकी एक एक बात, एक एक खबर सुनने के लिए कितने बेताब रहते हैं। क्या आप अभी भी समझती हैं कि वो आपसे शादी कर लेंगे? हो सकता है, वैसे अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। आपने शायद उनकी वालदा को गौर से नहीं देखा, वो बहुत ही मजहबी खातून लग रही थी। क्या वो एक तवाइफ को अपनी बहू बना लेंगी? हम सिर्फ अपनी मोहब्बत की ताकत को जानते हैं। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। हाँ, मगर यकतरफा मोहब्बत कभी नहीं। उन्होंने तो आपसे कभी अपनी मोहब्बत का इकरार ही नहीं किया। चमन बेगम, एक दिन आकर वो इकरार जरूर करेंगे। मलिक साहब, मुझे तो शाहजेब और उसकी माँ बहुत पसंद आए। रिश्ता तो अच्छा है। तो फिर हम इस रिश्ते पे हाँ कर दें? पहले नाजी से तो पूछ लें। मलिक साहब, नाजी को क्या इतराज हो सकता है भला, इतना अच्छा रिश्ता है। मेरा बच्चा। अब्बा, आज हमने इतना मजा किया, बता नहीं सकती आपको। बैठ के बता मुझे, और क्या कुछ किया आज मेरे बच्चे ने? नाजी, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, मेहमानों का कुछ तो ख्याल करना चाहिए था। अगर आज ना जाती तो क्या हो जाता? लो भला, जिन्हें मैं जानती नहीं, उनका ख्याल क्या करती अम्मा? शाहजेब और उसकी माँ तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे। भाई, हमें तो बहुत अच्छा लगा शाहजेब। अच्छा होगा अपने घर में, मुझे शादी नहीं करनी। क्या फजूल बातें कर रही हो नाजी, मैं और तुम्हारे अब्बा तुम्हारे लिए वो रिश्ता पसंद कर चुके हैं। अब्बा, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। देखे, आपके लाड प्यार में कितनी खुसर और जिद्दी हो गई है, इसे ये भी नहीं ख्याल कि हमने इसके लिए रिश्ता तय किया है। पुत्र, ना करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। आप अपना वादा भूल गए अब्बा? वादा? कौन सा वादा? अगर आपको याद नहीं है तो मैं क्यों याद करवाऊं आपको? नहीं पुत्र, नाराज तो ना हो, बता क्या वादा था? अब्बा, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे पढ़ाई के लिए शहर भेजेंगे, और अब्बा मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे शादी वादी नहीं करनी अभी। तो ये बात थी, तो इस तरह कहना भाई, शादी के बाद तुझे कौन रोकेगा पढ़ने से? शाहजेब भी बिल्कुल नहीं रोकेगा, अच्छा बच्चा है। अगर आप अपने इरादे से बदल रहे हैं तो उसका क्यों यकीन करूं मैं? और वैसे भी शादी से पहले सारे यही बातें करते हैं, लेकिन शादी के बाद कोई पढ़ने नहीं देता। वो ठीक है पुत्र, मैं शाहजेब को बुलाऊंगा, मैं उसे खुद बात करूंगा, वो खुले सेन का इंसान है। अब्बा जी, क्या पूरी दुनिया में एक ही अच्छा इंसान रह गया शाहजेब? बाकी सारे मर गए हैं क्या? भाई नाजी, शर्म कर, कैसे अपने बाप के साथ जबान चला रही है? हमने रिश्ता पक्का कर दिया है, चाहे तू माने या ना माने। आप ऐसे नहीं कर सकती। ओ देख पुत्र, रिश्ते हलाल और अच्छा रिश्ता घर आया हुआ, उसको मना नहीं करते। बस मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है अब्बा। मलिक साहब, आपने तो लाड प्यार में इसका दिमाग ही खराब करके रख दिया। समझ जाएगी, अभी बच्ची है ना, कोई बात नहीं, फिक्र ना कर। तो अब शाहजेब की माँ को क्या जवाब दो? उनको क्या जवाब देना, उनको फोन करो और मुबारक दो, उनको कहो कि हमें मंजूर है रिश्ता। और नाजी? और नाजी की फिक्र ना कर, नाजी तू छोड़ दे मुझ पे, मैं समझा लूंगा उसको। हाँ, आप तो ना मलिक साहब, बस। हाय, किन्ने नसीबों वाली है निगार बेगम, नोटों पे चलती है। और वो नोट भी 500
हजार के होते हैं। देख मैं फिड़े मूं, फकीरनी जम्मी सी फकीरनी मर जाना। उसमें इतनी क्या खास बात है रानी जो तुझ में नहीं? दंद एडे पैड़े तो नहीं सोने ने? हाँ सीना, क्या बात है, बड़ी चुप चुप बैठी है, जरा डुमका तो लगा। जरा कमीने, तेरा मुंह तोड़ दूंगा थप्पड़ मार मार के, मर्दूत कहीं का, इधर आ। अस्सलाम वालेकुम जमाले। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, खैरियत से हो? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। यार किसी लड़के को बोल के सर में मालिश करवा दे, बड़ा दर्द हो रहा है सर। मैं सालों को बोला जल्दी आ जाया करो, एक भी नहीं आता है यार। बात सुन, हाँ तू इधर आ। मालिश करेगा, पैसे मिलेंगे पैसे। हाँ मैं बहुत अच्छी मालिश करता हूँ। कर लेगा ना? हाँ चल आते अंदर। देख सही करियो। हाँ बैठ, ये ले तेल पकड़। अरे सबर कर, तौलिया लगा पहले, इधर ला, झाड़ झाड़ इसको अच्छी तरह लगा। हाँ हाँ लगा, देर नहीं कर, काम में देर नहीं करते। ये इस तरह से, ये ले, हाँ ये ले, अब लगा। अरे पहले हाथ में यूं रगड़ के और फिर मलते। बस 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 बस, क्या बहाएगा? तेरे हाथों में तो जान ही नहीं है यार, क्या जनाना हाथ है। अरे जमाले तूने किसको लगा दिया मालिश पे, इसमें तो दम ही नहीं है। वो खाना नहीं खाया ना तो पूरे बदन में दर्द हो रहा है। खाना खाया होता ना तो तेज जोर से करता मालिश। तो खाना क्यों नहीं खाया, किसने कहा तो तुझसे भूखा रहने के लिए? पैसे नहीं है ना मेरे पास। ले अब एक नई कहानी। अच्छा अब रहने तो, मैं देता हूँ यार। अरे बिल्कुल ले, तू जा चाय पी, बिस्कुट बिस्कुट खा, तुझमें कुछ चुस्ती आए। रख ले, अरे रख ले, तेरे काम के पैसे हैं, एडवांस ले ले। मैं अभी चाय पी के आता हूँ, सही से आपको मालिश करूंगा। जमाल
काम हम पे रख लो यार, आखिर इन लोगों का भी हम पे हक है यार। मैं भाई नाच गाने से बहुत कमा लेते हैं लोग, इनको काम की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, नाच गाना तो छोड़ दिया ना मैंने, सोच लिया कि बस मेहनत करके कमाई कमाऊंगा। अबे जमाले इसे नौकरी पे रख ले यार, कोई हुनर सिखा दे इसको, तेरे बच्चों को दुआएं देगा। चल रख लेता हूँ, मेरी औलाद तो किसी काम की नहीं है, काम करते हुए शर्म आती है उनको ये। मैं पूरी मेहनत करूंगा, पूरे दिन से आपका काम करूंगा, आप देखिएगा मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगा, मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। ठीक है लेकिन ये लौंडिया वाला होलिया नहीं चलेगा, ये बाल बाल कटवा के मर्दों की तरह जरा होलिया बना के आना। हाँ हाँ काट दे सारे बाल काट दे मेरे, बस मुझे ये काम सिखा दे, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। अच्छा जा जा, कुछ खा पी गया है, जा जा जल्दी आइयो जल्दी। हाँ मैं आ रहा हूँ। नाज़नीन ने ये मुझ पर कैसा जादू कर दिया है, सोते जागते उठते बैठते बस हर जगह वही दिखाई देती है। क्या ये मोहब्बत है या फिर कुछ और? जो भी है, मैं इस वक्त इस खूबसूरत एहसास से आजाद नहीं होना चाहता। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, वालेकुम। जीते रहो, खुश रहो, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। किस बात की? इस बात की कि मलिक हशमत ने अपनी बेटी नाज़नीन के लिए तुम्हारा रिश्ता कबूल कर लिया है। सच? सच कह रही है? हाँ मेरा बेटा, मेरा लाल, बिल्कुल सच। अब मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें उसका साथ बहुत बहुत मुबारक करे, बहुत खुश हूँ मैं। अब जाओ और जाके मिठाई का ऑर्डर दो, पूरे गांव में मिठाई बांटनी है मुझे। अभी जाता हूं। जीते रहो, खुश रहो। पूछ इससे किस खुशी में बांट रहा मिठाई? देखो भाई मिठाई खाओ। भाई किस खुशी में मिठाई बांट रहे हो? आज तो गांव के घर घर में मिठाई देकर आ रहा हूँ, इससे ही अंदाजा लगा लो कि कितनी खुशी की बात हो सकती है। ऐसी कौन सी खुशी है भाई, पता तो चले जो घर घर मिठाई बांट रहे थे। यार खबर ही कुछ ऐसी है, तुम लोग सुनोगे ना तुम भी खुश हो जाओगे। पर लगता है शाहजेब साहब का कोई नाम निकला है। यूं ही समझो कि शाहजेब साहब का बहुत बड़ा इनाम निकला है। अगर ऐसी ही बात है ना तो मैं दो गुलाब जामुन खाऊंगा फिर। भाई जी भर के खाओ, आज शाहजेब साहब ने कहा है कि सबका मुंह मिठाइयों से भर दो। क्या? अब इनाम के बारे में भी कुछ बता दे भाई। अरे भाई शाहजेब साहब की मंगनी तय हो गई है। शाहजेब साहब की मंगनी? हाँ हाँ, वो बराबर वाले गांव में मलक हशमत खान साहब है ना, उनकी छोटी बेटी से ही मंगनी तय हुई है। क्यों, तुम्हें सुनकर खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, खुशी की बात है लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि शाहजेब साहब की अचानक मंगनी कैसे हो गई। अरे भाई एक शादी पर लड़की को देखा, पसंद किया और मंगनी हो गई। हाँ भाई तुम लोग मिलो। अरे देख के लड़की, और देखो फूलों की सजावट के बाद निगार बेगम का खूब हार सिंगार भी कर दो और इनके हाथों पर खूबसूरत सी मेहंदी भी सजा दो। चमन बेगम मुझे तो यहाँ पहले भी होते हैं, तो इस तैयारी की कोई खास वजह? बड़े अमीर कबीर और रईस लोग आ रहे हैं और उनके साथ अमेरिका से उनके खास मेहमान भी आ रहे हैं। हमारी निगार बेगम पर तो डॉलरों की बारिश होगी बारिश। क्या बात है चमन बेगम, इस मुजरे पे आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। हजूर आज बड़ा टैके का मुजरा है, हमारे कोठे पे इससे पहले ऐसा मुजरा कभी नहीं हुआ। चमन बेगम आपको कैसे पता चला कि आज का मुजरा टैके वाला है? मुझे तो उन लोगों ने जो एडवांस दिया ना उसी से अंदाजा हो गया था, इसीलिए तो कह रही हूँ कि खूब अच्छी तरीके से तैयार कर दो निगार बेगम को। अरे चंपा जल्दी हाथ चलाओ। निगार बेगम
बाहर नजीर आए बैठे हैं। नजीर कल ही तो आए हैं, खैरियत हो? ये नजीर क्यों आया? नजीर कोई खैर की खबर लाए हैं ना? आपकी खामोशी से हमें घबराहट हो रही है, जल्दी से बताइए। निगार बेगम, वो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। क्या शाहजेब की कोई ऐसी खबर जो हमें परेशान कर सकती है? हमसे कुछ मत छुपाएं, जो कुछ भी है सच सच बता दें। शाहजेब की मंगनी हो गई। क्या? अलिफ अल्लाह और इंसान।